नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सुनील और आप देख रहे हैं विजडम अनप्लग्ड। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं इंपॉर्टेंट डेज ऑफ जनवरी। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं जनवरी 4 जनवरी, जिसको कि हम लुइस ब्रेल डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। लुइस ब्रेल जो थे वो आपके फ्रेंच सिटीजन थे और इनका बचपन में इनको विजुअल इम्पेयर्ड की प्रॉब्लम हो गई थी, इनको विजन की प्रॉब्लम हुई और उन्होंने एक जिंदगी को जीने का नया तरीका ढूंढा और ब्रेल को इन्होंने इन्वेंट किया। और इस दिन को 4 जनवरी को विजुअल इम्पेयर्ड पीपल्स के लिए, दिव्यांग के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, उनकी एम्पावरमेंट के लिए इस दिन को ऑब्जर्व किया जाता है 4 जनवरी को। नेक्स्ट वन इज जनवरी 9 NRI डे। जनवरी 9 को NRI डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। NRI means नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। जो आपके ओवरसीज इंडियन हैं, भारत के बाहर जो लोग रहते हैं, उनका भारत की विकास यात्रा में कंट्रीब्यूशन को प्रमोट करने के लिए जनवरी 9 को NRI यानी कि प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी अगर हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो जनवरी 9 1915 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसीलिए जनवरी 9 को हम ऑब्जर्व करते हैं। जनवरी 10 वर्ल्ड हिंदी डे। 1975 में जब इंदिरा गांधी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, तब फर्स्ट आपकी वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में। उसके पश्चात जो है वो आपका जनवरी 10 को हम वर्ल्ड हिंदी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। हालांकि जो ये जनवरी 10 2006 के बाद हमने इसको मनाना शुरू किया जब मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे। जनवरी 12 नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन होता है इस दिन और इसी को ऑब्जर्व करते हैं हम नेशनल यूथ डे के रूप में। जैसा कि आप जानते हैं कि पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड रिलीजन शिकागो 1893 में विवेकानंद ने एक हिंदुइज्म के ऊपर काफ़ी पॉपुलर स्पीच दी थी और इसलिए जनवरी 12 को उनको उनका जो बर्थडे है उसको हम नेशनल यूथ डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। जनवरी 15 की बात करें तो आर्मी डे के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं और इसी दिन जनवरी 15 1949 को आर्मी फील्ड मार्शल KM करियप्पा, तब थे ये लेफ्टिनेंट जनरल, ये हमारे भारत के पहले आर्मी कमांडर इन चीफ बने थे। इन्होंने ब्रिटिश कमांडर को टेक ओवर किया था और इसीलिए जनवरी 15 को हम ऑब्जर्व करते हैं आर्मी डे के रूप में। और इस दिन हमारे जितने भी सोल्जर्स रहते हैं जो हमारे देश के लिए शहीद होते हैं उनको याद किया जाता है जनवरी 15 को। सो जनवरी 15 को हम आर्मी डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। जनवरी 24 नेशनल गर्ल चाइल्ड डे। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो है वो 2008 के बाद जनवरी 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में ऑब्जर्व करती है, ताकि हमारे हिंदुस्तान में चाइल्ड के प्रति जो एक एटीट्यूड है वो पॉजिटिव बने और लड़कियों के बारे में हम जो एक हमारी सोसाइटी में एक जो सोच है उसको प्रोग्रेसिव बने, इसलिए जनवरी 24 को नेशनल गर्ल चाइल्ड डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। जनवरी 25 1950 को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सेटअप हुआ था और उसी लिए जो है आपका जनवरी 25 को नेशनल वोटर डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अवेयरनेस फैलाई जाती है कि 18 साल तक जिन्होंने एज अचीव होगी जिनकी, वो अपना वोटर कार्ड बनाएं और पॉलिटिकल प्रोसेस में इन्वॉल्व हो, वोट दें और अपने पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस उनके बीच में, सिटीजन के बीच में बढ़े। इस तरह की अवेयरनेस जो है वो इस दिन को आप अवेयरनेस फैलाई जाती है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल अवेयरनेस में अपने वोट के प्रति जागरूक हों। 1988 से पहले वोट करने की एज थी आपकी 21 वर्ष, लेकिन 1988 में आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ 61वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, उसके बाद जो आपकी वोट करने की एज थी वो 21 से घटा करके 18 कर दी गई है। पॉइंट नोट करने वाला है, ठीक है, तो इसको नोट कीजिए। जनवरी 26 के बाद में के बारे में आपको पता ही है, रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ तो इसलिए हम इसको रिपब्लिक डे ऑब्जर्व करते हैं। और 26 जनवरी जो आपका इंटरनेशनल कस्टम डे भी होता है। जनवरी 30 मार्टिर्स डे। महात्मा गांधी जी इस दिन को गोली का शिकार हुए थे नाथुराम गोडसे के, इसलिए इसको हम मार्टिर्स डे ऑब्जर्व करते हैं। वर्ल्ड लेप्रसी इरेडिकेशन डे लास्ट संडे ऑफ जनवरी। जनवरी का जो लास्ट संडे होता है उसको हम कुष्ठ रोग निवारण दिवस
कहते हैं वर्ल्ड लेप्रसी इरेडिकेशन डे। तो ये तो थे जनवरी के कुछ इम्पोर्टेंट डे जिसके बारे में आपको मैंने ब्रीफ सी इन्फॉर्मेशन दी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें चैनल को। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन, इस तरह के वीडियो आगे भी चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे आगे कब कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो जिसमें मैं लेकर के आऊँगा कि फरवरी महीने के जो इंपॉर्टेंट डेज होंगे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन आपको तक लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब विजडम अनप्लग्ड चैनल।